वेलकम माय यूट्यूब चैनल के डी मारुति वर्कशॉप में आपका फिर से इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम अपने मैकेनिक भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी वाली वीडियो ले आए हैं, बहुत ही अच्छी नॉलेज वाली वीडियो लाए हैं। सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज हम इस बुक के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आप लोगों के लिए, हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी है। सो आज हम इसकी कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बुक आप लोगों ने देख रखी होगी, और इस बुक के बारे में आप लोगों ने अगर नहीं जानकारी ली है, अगर आप नहीं समझते हैं, तो मैं इस बुक के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, ये बुक आपको बता रहा हूं मैं, हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट एकेडमी की ये बुक है। ई सी एम रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर है, हमारे जगदीश सिंह हैं, सरदार जी हैं, वीर जी हैं जगदीश सिंह, उनका ये ECM ट्रेनिंग सेंटर और उन्हीं के इंस्टीट्यूट से, उनके ग्रुप ने जो ये ECM रिपेयरिंग का इंस्टीट्यूट है, उन्हीं के ग्रुप ने, जगदीश सिंह हमारे जो वीर जी हैं, उन्होंने ये अपनी मेहनत और लगन से ये किताब लिखी है। सो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही बेसिक नॉलेज है। अगर आप एक आप अगर बहुत ही अच्छा मतलब अपने काम को डेवलप करना चाहते हैं, सुपर मैकेनिक बनना चाहते हैं, तो आप इस बुक को परचेस कीजिए। और आप देख सकते हैं आप ये नंबर जो आपको दिख रहे हैं, ये नंबर दिख रहे हैं बुक के पीछे, इन नंबर पर कॉल करके आप ये बुक परचेस भी कर सकते हैं, बाय कुरियर मंगा भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो बुक है इसमें क्या नॉलेज है, क्या जानकारी है, उसके बारे में बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इसमें चैप्टर बाय चैप्टर दिए गए हुए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हैं इसमें सारे। ये सेंसर्स के बारे में जानकारी है, फिर उसके बाद अपने सेंसर के बारे में जानकारी के बाद एक्चुएटर ब्रेक स्विच वगैरह के बारे में जानकारी है, EGR वाल्व, सोलेनोइड वाल्व और फ्यूल मेट्रिक वाल्व, इनके बारे में जानकारी। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको क्रैंक सेंसर के बारे में जानकारी चाहना है, सो फ्रेंड्स, क्रैंक सेंसर पेट्रोल एवं डीजल व्हीकल में लगा होता है। ये सेंसर क्रैंक के नज़दीक लगा होता है, जैसे क्रैंक की पुल्ली के नज़दीक और फ्लाई व्हील के नज़दीक लगा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसका वर्क अब ये देखिए आप, ये इसके बारे में जानकारी बता दी उन्होंने पूरी कि ये कहाँ कहाँ लगा होता है। उसके बाद फ्रेंड इसका वर्क मतलब ये क्या वर्क क्या काम करता है, मतलब इसको गाड़ी में लगाने के लिए इसका मतलब क्या रूल्स है क्या। सो फ्रेंड्स, इसकी जानकारी पूरी लिखी, क्रैंक सेंसर की पोजिशन को मैच्योर करता है, क्रैंक सेंसर की पोजीशन को मैच्योर करता है। सो फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड इसमें मतलब क्रैंक शाफ्ट कितनी डिग्री पर घूम रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन ECM को देता है, मतलब कितनी डिग्री में क्रैंक शाफ्ट घूम रहा है। क्रैंक सेंसर क्रैंक की पोजीशन को मैच्योर करके करता है, और क्रैंक शाफ्ट कितनी डिग्री पर घूम रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन ECM को देता है। फ्रेंड्स, ये मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन ECM को देता है। क्रैंक सेंसर को RPM सेंसर भी कहते हैं, ये सेंसर क्रैंक की कितने RPM पर घूम रहा है उसका सिग्नल ECM को देता है। सो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं कि अभी मैंने एक बेसिक आपको क्रैंक सेंसर के बारे में जानकारी दी है। फ्रेंड, इस तरीके से अपना एक कैम शाफ्ट सेंसर भी है, और उसके बाद फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में पूरी जानकारी कॉन्टेक्ट करें, ये पूरी जानकारी सो फ्रेंड्स इसमें है। और अपना ये बूस्ट प्रेशर सेंसर के बारे में जानकारी है, बूस्ट प्रेशर सेंसर आपका या तीन तारों में या चार तारों में है, ये पूरी जानकारी मतलब बहुत ही अच्छा इसमें जानकारी है। सो फ्रेंड्स, स्पीडोमीटर सेंसर हुआ जैसे अपना, इसके बारे में पूरी जानकारी है। और अपना ये ABS सेंसर कैसे मतलब वर्क करता है, उसकी मतलब कैसे डायग्नोस किए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी है। एक्सीलेटर पैडल सेंसर फ्रेंड्स
सारी मतलब इसमें आपको बहुत सी चीज, अगर आप एक मैकेनिक से सुपर मैकेनिक बनना चाहते हैं, सो फ्रेंड्स इस बुक को लेना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, पढ़ना भी बहुत जरूरी है यार, हम सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड जब मुझे पता चली ये बुक तो मैंने इसको परचेस की, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सारे जितने मैकेनिक भाई हैं एक दूसरे की हेल्प से आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स आप अगर हो मैकेनिक इस लाइन में हो, मैकेनिक भाई हो मेरे, तो फ्रेंड्स मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये कि ये बुक परचेस करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स बस इतना ही मैं बताने वाला रहा हूँ, और बाकी इसके बारे में जानकारी अगर आपको लेना है तो इसके बारे में जानकारी, इसकी पूरी बुक के बारे में, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हो सकता हूँ चैप्टर बाय चैप्टर हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को इसके बारे में वीडियो बनाने की और इसके बारे में समझाने की, फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।